जिला पूर्वी सिंहभूम के पुटका प्रखंड के अंतर्गत जमशेदपुर से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित हारतोपा एवं डमजुड़ी पंचायत के राजदोहा एवं मुर्गाघुटू गांव के बीच में गुडरा नदी अवस्थित है। गुडरा नदी दो पहाड़ों के बीच से निकलते हैं, जहां दोनों गांव के लोग स्नान एवं मवेशियों को पानी भी पिलाते हैं। प्रत्येक वर्ष दिसंबर से लेकर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक दूर दूर के शहर से लोग यहां पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और प्लास्टिक बचा हुआ खाना को स्नान घाट में फेंक कर गंदगी करके चले जाते हैं, जिससे मुर्गाघुटू एवं राजदोहा गांव के लोग को नहाने में बहुत परेशानियां होती है। मैं तुलसी हेम्ब्रम, वीडियो वॉलंटियर, यह मेरा आदिवासी समुदाय है। नरवा पहाड़ की ये सुंदरता जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आया करते हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है यहाँ की गंदगी को देखकर। और ये स्थल इतना मनोरम और इतना प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग ही इसको गंदा कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में इसको नहीं बचाया गया तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर अफसोस करेगी, हमें कोसेगी कि ऐसे सुंदर स्थल को हम लोगों ने कितना गंदा कर दिया है। मैं राखा कॉपर में रहता हूँ और हम लोग भी यहाँ घूमने आया करते थे, बहुत दुख हो रहा है इस स्थल को देख कर कि आज ये इतना गंदा हो चुका है। इतना सुंदर लोकेशन है लेकिन ऐसा गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी, ये पहले 4-5 साल पहले नहीं था, ये अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो चीज़ रोकना है। नदी में यही हम लोग नहाता है, हाँ माँ बहन सब आप पिकनिक आता है, पिकनिक वाला लोग खाली पत्ता फेंक करके नखरा कर देता है, बोतल तो फूल करके पानी में फेंक देता है। आप लोग ऐसे गंदगी में कैसे सफाई किया और स्नान कैसे कर रहे हैं? क्या करेगा, मजबूरी में करना ही पड़ता है, गंदा तो ये है, उतना साफ सुथरा भी नहीं होता है क्योंकि पानी का थोड़ा दिक्कत होता है। मैं वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि लोगों को भी समझाए कि इस तरह की गंदगी कहीं भी ना करे, और साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी सस्मृता कुमारी को 9771845168 पर फोन करके दबाव डाले, या यूसील के उप प्रबंध कर्मी डी हंसदा को 9431944146 पर फोन करके दबाव डाले, ताकि जल्द से जल्द नदी को साफ कर दिया जाए। जिला पूर्वी सिंहभूम से मैं तुलसी हेम्ब्रम, वीडियो वॉलंटियर, इंडिया अनहट के लिए।